क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम सभी ग्रहों तक पैदल यात्रा करें तो कितना समय लगेगा? खैर, कुछ आश्चर्यजनक गणनाओं के लिए तैयार हो जाइए। आइए बुध पर चलते हैं। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध पृथ्वी से औसतन लगभग 57 मिलियन किलोमीटर दूर है। यदि हम चलने की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा मान ले तो बुध तक पहुँचने में लगभग 11.6 मिलियन घंटे या 1316 वर्ष लगेंगे। आइए अब शुक्र पर चलते हैं। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और पृथ्वी से। इसकी औसत दूरी लगभग 107 मिलियन किलोमीटर है। समान चलने की गति का उपयोग करते हुए शुक्र तक चलने में लगभग 21.6 मिलियन घंटे या 2453 वर्ष लगेंगे। आइए अब मंगल ग्रह पर चलते हैं। पृथ्वी और मंगल के बीच की औसत दूरी लगभग 225 मिलियन किलोमीटर है। उसी गति से चलते हुए मंगल ग्रह तक चलने में लगभग 45 मिलियन घंटे या 5112 वर्ष लगेंगे। अगला स्थान बृहस्पति का है, जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अपने आप को तैयार रखें क्योंकि यह यात्रा लंबी होने वाली है। बृहस्पति बहुत दूर है पृथ्वी से। इसकी औसत दूरी लगभग 778 मिलियन किलोमीटर है। उसी गति से चलते हुए बृहस्पति तक चलने में लगभग 155.6 मिलियन घंटे या 17,665 वर्ष लगेंगे। आइए शनि पर चलते हैं, जो अपने खूबसूरत छल्लों के लिए प्रसिद्ध है। शनि पृथ्वी से औसतन लगभग 1427 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। उसी गति से चलने पर शनि तक चलने में लगभग 282 मिलियन घंटे या 32,045 वर्ष लगेंगे। आइए यूरेनस और नेपच्यून के बारे में न भूलें। ये बर्फ के दानव पृथ्वी से और भी अधिक दूर स्थित है। यूरेनस पृथ्वी से औसतन लगभग 2.9 अरब किलोमीटर दूर है। उसी गति से चलते हुए यूरेनस तक चलने में लगभग 577 मिलियन घंटे या 65,687 वर्ष लगेंगे। और नेपच्यून की पृथ्वी से औसत दूरी लगभग 4.5 अरब किलोमीटर है। उसी गति से चलते हुए नेपच्यून तक चलने में लगभग 897 मिलियन घंटे या 1,01,875 वर्ष लगेंगे। मेरे दोस्तों, यदि हम अपने सौर मंडल के सभी ग्रहों की पैदल यात्रा करें तो हमें अकल्पनीय समय लगेगा। अंतरिक्ष की विशालता और इन खगोलीय पिंडों के बीच की अविश्वसनीय दूरियों के बारे में सोचना वास्तव में आकर्षक है। मुझे आशा है कि आपने हमारे सौर मंडल के माध्यम से इस अद्भुत यात्रा का आनंद लिया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब बटन दबाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और अगली बार तक ब्रह्मांड के आश्चर्यों की खोज करते रहें।